हेलो दोस्तों, मुकेश कुमार लोन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धनी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। धनी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिनसे कि मैंने एक साल पहले लोन लिया था, और एक साल पहले लोन लेने के बाद मैंने इनकी सारी रिपेमेंट भी करती थी। वन फ्रीडम कार्ड मैंने एक्टिवेट किया था। जब मैंने वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट किया था तो मैंने इसको क्लोज करवा लिया। क्लोज करने के बाद भी कम से कम एक साल तक मेरी फ़ीस लगती रही। मैंने कम से कम काफ़ी दिन मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल किया कि मेरी फ़ीस लग रही है सर, मेरी फ़ीस लग रही है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक महीने बाद कह रहे बंद हो जाएगी, तीन चौथे महीने बाद जब मैंने इनको ये बोला कि मैं आरबीआई को कंप्लेट करूँगा, इन्होंने मुझे साफ बोल दिया आपसे जो होता है कर लो, ये ड्यूज़ आपको देना पड़ेगा। जब मैंने ये ड्यूज़ लिए ही नहीं है तो मैं किस किस क्यों दूँ और किस वजह से दूँ? जब मैंने कुछ लिया ही नहीं है तो मैं ड्यूज़ क्यों दूँ? और मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, जो भी न्यू कस्टमर है धनी का, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लोन लेना तो सोच समझ कर ही लोन ले। बाकी मैं तो एक साल से परेशान हूँ। बाकी जो अभी मैं इसके साथ वीडियो अटैच करूँगा, उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने इनसे एनओसी लेटर भी लिया था। एनओसी लेटर लेने के बाद भी मेरा ये ड्यूज़ नहीं रुका। उसके बाद भी मैंने इनको फ़ोन किया तो वो मेरे को साफ बोलते हैं कि मतलब आपको ये ड्यूज़ देने पड़ेंगे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और मैं बहुत परेशान था। मैंने परेशान होने के बाद ही मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने कहा मैंने वीडियो बनाई कि मतलब कि किसी तरह मेरा ड्यूज़ हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ड्यूज़ बंद नहीं होगा। और वही मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप भी लोन लेना चाहती हैं तो सोच समझ कर लोन लें, और लोन जब लें जब हमारे को लोन की रिक्वायरमेंट हो, वरना लोन मत लें। मैं यही कहूँगा आपसे। और धनी से मैंने लोन लिया, धनी से मैंने सिर्फ 10 महीने भी इसकी फ़ीस वापसी कर दी है, पर अब मैं इनसे लोन नहीं लूँगा। और मैं अब तक 10 महीने से, और अभी भी मेरी फ़ीस लग रही है, अभी भी मेरी 2500 कुछ रुपये इन्होंने मेरी फ़ीस कर दी है। पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं तो फंस गया हूँ, और आप जो कस्टमर हैं कोई भी हो तो आप ऐसा ना करें। अपना अगर लोन आपको लेना भी है तो सूझबूझ से लोन लें। अब एक न्यू अपडेट आया धनी की तरफ से, जिन्होंने सब्सक्राइबर फीस बंद कर दी है। अब एक अच्छा अपडेट आया इनका, जिन्होंने ये सब्सक्राइबर फीस बंद कर दी है। अब ये सिर्फ हमारे से एक साल में 500 रुपये ही लेंगे। बस यही एक अच्छा अपडेट है इनका। हो सकता है कि ये अपडेट से इनकी कंपनी काफ़ी ऊपर तक चली जाए। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो दोस्तों, फाइनली आ गया हूँ मैं धनी लोन एप्लीकेशन पे। धनी लोन एप्लीकेशन पे आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने मेरे एक साल से जो चार्ज लगा रहे थे वो बिना मतलब कि वो रुके ही नहीं। मैंने इनको बोला भी कि मैंने अपनी फ़ीस सारी और कार्ड सारे ड्यूज़ बंद करवा दिए हैं, ये करवा दिए, पर इन्होंने कहा नहीं आपको ये ड्यूज़ देने पड़ेंगे। नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इन्होंने चार्ज पे चार्ज लगाए, चार्ज पे चार्ज। ये जो मेरी आपको लिमिट दिख रही है 5000 पे, मेरी लिमिट आपको शो कर रही होगी। अब मैं आपको इनके चार्ज दिखाता हूँ कि बेफजूल के जो चार्ज लगाए हैं इन्होंने मेरे पे। ये आपको दिख रहा होगा, इनका सारा सेक्शन लेटर आ रहा है। सेक्शन लेटर आने के बाद ये आपको दिख रहा होगा ड्यूज़ नाउ 2587। ये एक साल के ड्यूज़ लगे हैं मेरे पे बिना कुछ यूज करे। कार्ड को डीएक्टिवेट भी किया, कस्टमर केयर को फ़ोन भी किया कि सर मेरा कार्ड डीएक्टिवेट कर दो सर, और सर ने कार्ड डीएक्टिवेट भी किया। डीएक्टिवेट के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया कि मैं इसको यूज नहीं करना चाहता। इंस्टॉल करने के बाद मैंने 8 महीने बाद इसको फिर से इंस्टॉल किया। जब मैंने इसको इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, तो इसमें मेरे पे 1600 कुछ रुपये ड्यूज़ दिखा रहा था। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर मैं तो इसको यूज ही नहीं करता और इसमें ड्यूज़ पे। कह रहे चलो अब आगे से नहीं लगेंगे। इन्होंने एक महीना, अगले महीने देखा मैंने, फिर ड्यूज़ लग गए। और उसके बाद ये एक साल तक इन्होंने मेरे पे, अब तक पिछले महीने भी इन्होंने मेरे पे ड्यूज़ लगाया, तो 2587 रुपये इन्होंने मेरे बना दिए। बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं परेशान होऊंगा या नहीं होऊंगा? मैं तो सिर्फ आपसे यही करूँगा कि अगर आप धनी से लोन लो तो सोच समझ कर ही लोन लेना, और सोच समझ कर लोन लेना। मैं तो फंस ही गया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई न्यू कस्टमर आए, और न्यू कस्टमर भी कोई किस मजबूरी से लोन लेता है? अगर कोई इस मजबूरी से लोन लेता है, अगर नहीं इनकी पे करोगे तो आपका सिबिल डाउन करेंगे, और सिबिल डाउन नहीं होने की वजह से आपको इनके सारे ड्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे। और मैं यही आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब कि अगर आप इनसे लोन भी लेते हैं तो अपना लोन सोच समझ कर और अपनी सूझबूझ से ले, और हम किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करते। सिर्फ हमें एक जानकारी ही देनी होती है, वो जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। और मेरे चैनल का नाम मुकेश कुमार लोन हेल्प चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।